Morning students, now today we will continue the revision of chapter 22, perimeter, area and volume. We will discuss the volume of a cube. What is the formula of volume of a cube? Cube is cuboid whose length, breadth and height are equal. Cube cuboid की तरह है, जिसकी length, breadth and height तीनों ही equal है. The formula of volume of a cube is equals to length multiplied by length. This formula you should learn. The volume of a cube is equals to length multiplied by length multiplied by length. And the unit of volume of a cube is equals to cubic unit. Means, agar length ki unit meter hai, to volume of a cube ki unit hogi meter cube, or you can say cubic मीटर. इसको हम इस तरीके से दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं इसकी यूनिट को. तो लेंथ की यूनिट पे डिपेंड करती है. अगर लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम की यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसकी यूनिट. Now the formula of volume of a cuboid. Volume of a cuboid is equals to length multiplied by breadth multiplied by height. Volume of a cuboid. The formula of volume of a cuboid is equals to length multiplied by breadth multiplied by height. इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स. वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला तो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर. इसकी यूनिट भी सेम जो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब की यूनिट है उसी तरीके से इसकी भी यूनिट होगी. लेंथ की यूनिट अगर मीटर में गिवन है तो मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर हम दोनों में से किसी भी तरह से लिख सकते हैं, और अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर. तो ये इसकी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड की यूनिट होगी. नाउ अब इस फॉर्मूले को अगर हमें वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है तब तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे हमें लेंथ भी गिवन होगी, ब्रेथ भी गिवन होगी और हाइट भी गिवन होगी. इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड फाइंड आउट कर देंगे. अगर हमें लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है और हमें वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड गिवन है और ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से अरेंज करेंगे. वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड is divided by breadth of a cuboid multiplied height of a cuboid. Means volume of a cuboid is divided by breadth multiplied by height. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड फाइंड आउट करने का. अगर हमें ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा volume of a cuboid divided by length of a cuboid multiplied height of a cuboid. अगर हमें height of a cuboid find out करना है तो हमारा formula इस तरीके से हम arrange करेंगे. volume of a cuboid divided by breadth
multiply by length, or we can say length multiply by breadth. तो हमारा ये formula बन जाएगा. तो means हमने अगर ये formula learn है और इस फॉर्मूले से अगर हमें लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है तो हम इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे. अगर ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे अरेंज करेंगे. अगर हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड फाइंड करना है तो हम इस तरीके से अरेंज करेंगे. यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड गिवन होगा और ब्रेथ एंड लेंथ गिवन होगी. यहाँ पे हाइट है तो इसकी यूनिट सिंपल हमारी अगर लेंथ की यूनिट मीटर दे रखी है तो मीटर में आएगी. ब्रेथ है तो उसकी भी यूनिट सिंपल मीटर में होगी. लेंथ की भी यूनिट जो मीन्स की लेंथ की हमारी यूनिट गिवन होगी उसी पे इसकी यूनिट्स डिपेंड करती है.